नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आंसर की जो जारी हुई है यूपी टेट 2018 की, उसमें काफ़ी क्वेश्चन जो हैं गलत हैं उनकी आंसर की के हिसाब से। तो आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि उनको चिताया जाए, उनको बताया जाए कि इतने प्रश्न जो हैं आपने जो दिए हैं, जो आंसर की आपने दी है, उसमें से इतने प्रश्न गलत हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि सर अगर आपत्ति ना भेजें तो। देखिए ऐसा है, यदि आप आपत्ति भेजते हैं तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि प्रेशर ज़्यादा रहता है। जब ज़्यादा आपत्तियाँ आती हैं जिन प्रश्नों पर, उनके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक दबाव रहता है। तो एक मेंटल प्रेशर के लिए जो है, आप दबाव बनाने के लिए पीएनपी पे जरूर, यदि आपके पास प्रूफ हैं, सबूत हैं, तो जरूर जो है आपत्ति आप भेजें। ठीक है, उन्होंने जो प्रारूप निर्धारित किया है, जो भी बताया है, उस पे आप एक एक्सेल फॉर्मेट में बना लें या कैफे में जाके बनवा लें, और साथ में जो प्रूफ है उनको स्कैन करके अटैच कर दें उससे। ठीक है, इससे क्या होगा जो है, जो आंसर की आई है उसमें काफ़ी क्वेश्चन गलत पाए गए हैं, और कई लोगों ने इसकी पुष्टि भी की है, और अधिकतर लोगों के पास प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि जो है प्रूफ उनको फेसबुक, व्हाट्सअप, जगह जगह पे या फिर यूट्यूब के कमेंट्स में जो है प्रूफ आप दे सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है, क्या कहते हैं, आपत्ति भेजिए। क्योंकि और एक चीज़, और कई लोग पूछ रहे हैं, जैसे मान लो उनके 90 नंबर थे, 92 थे, वो नीचे आ गए हैं, 88 पे आ गए हैं, 87 पे आ गए हैं। तो इसमें इसमें ये जो आंसर की आई है, इसके हिसाब से जो संशोधित आंसर की आएगी, उसमें सभी के नंबर बढ़ने की संभावना है, और मैक्सिमम जो है 5 to 6 नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग ज़रूर देखें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सभी लोग जो है आपत्ति जरूर भेजिए, जिससे है कुछ जिससे कुछ लोग जो नीचे चले गए हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जिन लोगों के नंबर कम हुए हैं, अधिकतर देखा गया है कि काफ़ी लोगों के नंबर जो कोचिंग्स की आंसर की थी उनसे मिलाए गए थे, उसके बाद जब ये ऑफिशियल आंसर की आई है तो काफ़ी लोगों के नंबर जो है कम हो गए हैं। तो आप लोग जो है आपत्ति जरूर भेजेंगे। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और कोशिश कीजिएगा कि उन प्रश्नों को आप याद कर लें। ठीक है, उन प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और आपको पता नहीं होता है। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, एक रजिस्टर पर आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, ताकि आपको जो है जब परीक्षा का टाइम आए तो आपको रिवीजन में आसानी रहे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल, पहले रेल मंत्री जॉन मथाई, पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, पहले वित्त मंत्री थे आर शणमुगम चेट्टी, पहले विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, ध्यान रखिएगा आप। पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पहले गवर्नर जनरल भारत भारती जो थे वो कौन थे, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंट बेटन थे। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था और कई लोग इसको गलत करके आए हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, ये भी कई बार पूछा जाता है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसको सीबीसी बोलते हैं एन श्रीनिवास राव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी बी मावलंकर, ये भी कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो जीबी मावलंकर थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? एमसी सीतलवाड़, ठीक है। पहले मंत्रिमंडल सचिव कौन थे? एन आर पिल्ले। पहले थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र सिंह। पहले वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल थॉमस एल्म हर्स्ट, ठीक है। और पहले नौसेना अध्यक्ष जो थे वाइस एडमिरल आर डी कटारी। तो आपको याद रखना है, इसमें कम से कम जो है 3-4 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और वो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत में प्रथम महिलाएं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं लेके आया हूँ। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की श्रीमती सुचेता कृपलानी। देश की पहली केंद्रीय मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृत कौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्रीमती रमा देवी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, कई बार पूछा गया, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी थी? न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करी गई है तो लीला सेठ, और सुप्रीम कोर्ट एम फातिमा बीबी, याद रखना है आपको। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला श्रीमती मीरा कुमार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहले महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती साहा। आप नोट भी करते चलें साथ साथ में। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। एशियाड में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू, याद रखना, एशियाड की बात हो रही। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वचेंद्री पाल, कई परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न ये। भारतीय सेना में शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला अफगानिस्तान में बहादुरी के लिए सेना मेडल मेजर मिताली मधुमिता। मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जीनत अमान, फिल्म एक्ट्रेस थी ये। फिर अगला है, मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किस भारतीय महिला ने जीता? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। मिस वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो रीता फारिया, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस एशिया स्पेसिफिक जीनत अमान और मिस वर्ल्ड रीता फारिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग जो है लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ और मिस यूनिवर्स में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला निकोल फारिया, ठीक है, याद रखिएगा। एक जवान के रूप में प्रादेशिक सेना, सॉरी, एक जवान के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला शांति टिग्गा, ठीक है, सेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला। मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभालने वाली पहली महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जो है सबसे पहले कौन सी महिला थी? दीपक संधू, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक क्वेश्चन ये है, केंद्रीय विदेश मंत्री का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन सी है? सुषमा स्वराज है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने विदेश मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला था, ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली पहली महिला रीना कौशल धर्म सक्तू। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप लिख जरूर लीजिएगा, एक रजिस्टर बनाइए उस पर पूरा नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको जो है परीक्षा के टाइम दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्वेश्चन आपको जो है बहुत अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ जो है फैक्ट मास्टर को जो है सब्सक्राइब करते हुए चलिए, लाइक करते हुए चलिए। और हाँ, लास्ट में एक रिक्वेस्ट भी करते जा रहा हूँ कि प्रूफ आप लोग शेयर कीजिए जब एक दूसरे से, और आपत्ति ज़रूर दर्ज कराएं, ये आपका हक है। बहुत बहुत धन्यवाद।